तो हेलो गाइज, आ चुका हूँ नए वीडियो के साथ। तो पबजी मोबाइल के अंदर जो वापस से रिकॉल इवेंट आ चुका है, हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों को रिकॉल इवेंट पता होगा। और रिकॉल इवेंट के अंदर आपको जो अच्छे खासा रिवॉर्ड जो है मिल जाएगा, जो कि शॉटगन का स्किन और आपको जो परमानेंट आउटफिट वगैरह मिल जाएगा। तो आज के इस वाले वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूँ कि आप लोग जो रिकॉल इवेंट को किस तरीके से कम्प्लीट कर सकते हो। तो अगर आप जानना चाहते हो तो वीडियो को कम्प्लीट एंड तक वॉच करना, आपको पता चल जाएगा। तो चलिए वीडियो को करते शुरू। तो गाइज, अब जैसे गेम को ओपन करोगे तो ओपन करने के बाद ही आपको क्लिक करना है इवेंट के अंदर। तो इवेंट के अंदर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको आ जाना रिकॉल जो कि आप लोग देख सकते हो। तो ये जो रिकॉल इवेंट हो सकता है, आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा कि हर एक सीजन के अंदर रिकॉल इवेंट पबजी मोबाइल के अंदर आता ही है। तो गाइस, अभी मैं आप लोगों को रिकॉल इवेंट का कुछ रूल्स में आप लोगों को बता दूं। तो गाइस, पबजी मोबाइल क्या करता है कि रिकॉल इवेंट के अंदर जो कोई भी प्लेयर अगर 28 डेज तक पबजी मोबाइल को खेलना छोड़ देता है, अगर वो इनएक्टिव होता है, तो उसी प्लेयर को आप जो रिकॉल इवेंट के अंदर इनवाइट कर सकते हो और आप जो यहाँ से अच्छे खासा रिवॉर्ड को कलेक्ट कर सकते हो। और उसका जो प्रोफाइल का जो लेवल वो 15 से ऊपर होना चाहिए, तब भी वो जो फ्रेंड इस जो कि इवेंट के लिए एलिजिबल होगा। तो कोई भी फ्रेंड आपका अगर 28 डेज तक पबजी मोबाइल नहीं खेलता, तो आप जो उसी फ्रेंड को इनवाइट कर सकते हो इस इवेंट के अंदर। तो आपको किस तरीके से इनवाइट करना है, अगर आप किसी भी एक प्लेयर को इस रिकॉल के लिए इनवाइट करते हो, तो उसको जो सप्लाई क्रेडिट कूपन वो जो एक मिल जाएगा। उसके बाद किसी भी दो प्लेयर को आप इनवाइट करते हो तो उसके जो सिल्वर फ्रेगमेंट दो मिल जाएगा। उसके बाद किसी भी तीन प्लेयर को अगर आप इनवाइट करते हो, तो उसका किसी भी चार प्लेयर को इनवाइट करते हो तो उसको जो क्लासिक क्रेडिट कूपन का जो स्क्रैप मिल जाएगा। उसके बाद आपको सिल्वर फ्रेगमेंट मिल जाएगा, उसका प्रीमियम क्रेडिट कूपन जो वो आपको मिल जाएगा। तो सिर्फ और सिर्फ आपको इतना ही करना है, किसी भी जो भी प्लेयर 28 डेज तक लॉगिन नहीं करते उसी प्लेयर को आपको इस रिकॉल के लिए इनवाइट करना होगा। अगर मान लीजिए आपका किसी भी सेकंड आईडी है, उसको अपने 28 डेज तक लॉगिन नहीं किया है, तो आप जो उसी आईडी से आप इस इवेंट को कंप्लीट कर सकते हो। और आपको इनवाइट किस तरीके से भेजना है, यहाँ पर आप लोग देख सो इस इनविटेशन कोड से कोई भी अगर नया प्लेयर आता है इस इवेंट के अंदर, तो आपको जो यहाँ पर ये जो आउटफिट, यहाँ पर तीन आउटफिट देख सकते हो, यहाँ पर तीन जो आउटफिट, तीन में से आपको कोई से भी एक आउटफिट मिल जाएगा और उसी प्लेयर को जो एक आउटफिट मिल जाएगा। और यहाँ पर रिवॉर्ड की बात करो तो गाइस, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर जो आपको अच्छा खासा रिवॉर्ड मिल जाएगा, जैसे कि आपको एक परमानेंट आउटफिट वो आपको मिल जाएगा। यहाँ पर आपको शॉटगन का जो स्किन वो आपको मिल जाएगा। उसके बाद आप लोग देख सकते हो यहाँ पर कुछ क्रेडिट कूपन का जो स्क्रैप वो आपको मिल जाएगा, बीपी कार्ड आपको मिल जाएगा। उसके बाद आपको जो सिल्वर फ्रेगमेंट वो जो आपको मिल जाएगा। और गाइस, यहाँ से आप जाके आप चेक भी कर सकते हो, अगर आपका जो आईडी वो फेसबुक से लॉगिन है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो यहाँ पर कुछ नाम आपको शो हो जाएगा, जो कि कुछ दिनों से इनएक्टिव जो भी इनएक्टिव प्लेयर है उनका जो नाम नीचे जो शो हो जाएगा। अगर आप यहाँ से रिकॉल के लिए इनवाइट भेजते हो, अगर वो बंदा रिकॉल एक्सेप्ट करके इवेंट के अंदर जो भी मिशन है उनको कंप्लीट कर लेता है, तो आप जो रिकॉल टोकन से रिडीम शॉप के अंदर जाके इजिली रिवॉर्ड को कलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ से आप चेक कर लेना कि कोई भी प्लेयर 28 डेज तक अगर इनएक्टिव होता है, तो उसी प्लेयर को आप जो रिकॉल के लिए इनवाइट भेज सकते हो। तो यहाँ पर आप लोग आके एक बार चेक कर लेना, यहाँ पर अगर आपका कोई भी फ्रेंड ऐसा होता है कि वो फ्रेंड जो 28 डेज तक पबजी मोबाइल को नहीं लॉगिन करता है, तो आप जो उसी फ्रेंड को जो आप रिकॉल के लिए इनवाइट भेज सकते हो। और अगर आप चाहो तो इनको अपना जो सोशल मीडिया है वहाँ पर भी शेयर कर सकते हो। अगर किसी भी सोशल मीडिया पर शेयर करते हो, वहाँ से कोई भी प्लेयर आ जाता है, तो आपको जो यहाँ पर जो भी रिवॉर्ड है वो आपको मिल जाएगा। बहुत ही अच्छा खासा इवेंट है, बट आपको 28 डेज तक कोई भी इनएक्टिव प्लेयर को आपको रिकॉल के लिए इनवाइट करना होगा, तब भी आपका जो इवेंट वो कंप्लीट होगा। तो अगर आपका कोई भी फ्रेंड है, तो आप उसको रिकॉल के लिए इनवाइट भेज सकते हो। तो यही था इवेंट के अंदर, तो ही वो आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें और अपने स्क्वाड के साथ इस वीडियो को जरूर से जरूर शेयर करें। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलता हूँ और एक नए वीडियो में, तब तक के लिए।